अस्सलाम वालेकुम, आई एम स्मार्ट और वेलकम करता हूँ अपने चैनल PHY मेंटोर पे। उम्मीद है कि आप सब हैर वाफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ गाजेस लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ। सबसे पहले मैं आपको आउटलाइंस बताता चलूं। पिछले लेक्चर में आपने गाजेस लॉ को स्टडी किया कि गाजेस लॉ क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका रिलेशन हमने ड्राइव किया। तो आज हम देखेंगे कि गाजेस लॉ को अप्लाई किस पे किया जाता है, इसकी एप्लीकेशंस कौन सी हैं। तो एप्लीकेशंस को स्टडी करने से पहले एक टर्म है गाजियन सरफेस। आज हम पहले गाजियन सरफेस के बारे में स्टडी करेंगे, गाजियन सरफेस क्या है। फिर हम इसकी एक फर्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर अ हालो चार्ज स्फीयर के लिए फाइंड आउट करेंगे गाजेस लॉ अप्लाई करके। तो चलिए देखते हैं कि गाजियन सरफेस क्या है। तो देखिए, कहते हैं गाजियन सरफेस, कहते हैं अ गाजियन सरफेस sometimes abbreviated as G.S, यानी sometimes आप इसे G.S भी लिखते हैं, is a closed surface in three-dimensional space through which the flux of a vector field is calculated। कहते हैं गाजियन सरफेस आपके पास एक क्लोज सरफेस है थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो आप ड्रा करते हैं, उस जगह पे वहां पे ड्रा करते हैं जहां पे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी हो। यानी जिस पॉइंट पे आपको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करें या बताएं कि वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा, तो उस सरफेस पे आप क्या करते हैं, एक क्लोज इमेजिनरी सरफेस अपने से ड्रा कर लेते हैं। उस इमेजिनरी सरफेस को ही आप कहते हैं गाजियन सरफेस। आए देखते हैं इसे हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इजी की है ये थोड़ा सा। कहते हैं गाजियन सरफेस इज अ क्लोज इमेजिनरी सरफेस दैट पासिस थ्रू द स्पेस पॉइंट एट विच वी वांट टू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये देख ले, कहता है गाजियन सरफेस आपके पास एक क्लोज इमेजिनरी सरफेस है स्पेस में, उस पॉइंट पे जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानना चाहते हैं या जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सिंपल से आपको बता दूं कि गाजियन सरफेस भी आपके पास एक क्लोज सरफेस है, ये ओपन सरफेस नहीं होती, और स्पेस में ही आप इसे ड्रा करते हैं यानी थ्री डायमेंशनल स्पेस में, और उस पॉइंट पर ड्रा करते हैं जहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी हो। ये खुद से ड्रा करते हैं या अपने से ड्रा करते हैं, अपनी सहूलत के लिए आप ऐसा करते हैं ताकि आप एक पॉइंट के लिए, एक सरफेस के लिए जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बता दें तो होल सरफेस के लिए आप इजीली बता सकेंगे अगर वो सरफेस सिमेट्रिक है, यानी एक जैसी है, एक जैसा उस पर आपने चार्ज फेंका हुआ है। तो एक पॉइंट पे सब इकट्ठा सब पे बताने की बजाय आप एक पॉइंट पे फाइंड आउट कर लेते हैं, तो जो एक पॉइंट पे होगी वही दूसरे पे होगी, वही थर्ड पे होगी, क्योंकि शेप आपकी सिमेट्रिक है। मैं सिमेट्रिक शेप की बात कर रहा हूँ, सिमेट्रिक के बारे में मैंने डिटेल से आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सिमेट्रिक शेप कौन सी होती है। तो उम्मीद है आपको गाशियन सरफेस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, नहीं तो आगे चल के जब आप अप्लाई करेंगे फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये कहते हैं कंसेप्ट ऑफ क्लोज एंड ओपन सरफेस। तो देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि आपको गाजियन सरफेस का ठीक तरह से पता चल जाए ताकि आप आगे जाके अप्लाई इजीली कर लें। तो इसलिए गाजियन सरफेस के लिए क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस के बारे में आपको पता होना लाजमी है कि क्लोज सरफेस कौन सी होती है और ओपन कौन सी होती है, क्योंकि गाजियन सरफेस या गाजेस लॉ आपका क्लोज सरफेस पे अप्लाई होता है, ओपन सरफेस पे आप इसे अप्लाई नहीं करते। तो ये देखिए दो सरफेसेस आपको दिखाई गई हैं जिनमें एक ये स्फीयर है और ये एक तकरीबन रेक्टेंगुलर शेप बन रही है आपके पास। अगर आप इसका इधर से ये हाफ कर दें तो ये आपका स्क्वायर भी बन जाएगा। ये एक आप कह लें कि आपके पास एक चादर सी पड़ी हुई है रेक्टेंगुलर शेप की। तो सोचिए कि आप में से इन दोनों में से कौन सी क्लोज सरफेस है और कौन सी ओपन सरफेस है।
मुझे पता आपको ये पता चल जाएगा, आप इजीली बता सकेंगे। ये देखिए, ये आपको नजर आ रही है कि ये क्लोज सरफेस है, हर तरफ से बंद है, इसके अंदर आपको ये स्पेस नजर भी आ रही है। तो ये आपके पास एक क्लोज सरफेस है, स्फीयर। इसी के लिए आप गाजियन सरफेस अप्लाई करेंगे, इसी के लिए ही आप गाजीज लॉ अप्लाई करेंगे। और ये देखें, ये टू डायमेंशनल, ये आपके पास ओपन सरफेस है, ये ऊपर से भरी हुई है, नीचे से ये खाली है। अगर इसके ये दूसरी साइड पे भी इस तरह का लगा होता बार, इसी तरह की शीट आप दूसरी साइड से भी इसे जोड़ दें, कनेक्ट कर दें, तो फिर आपकी ये शेप कौन सी बन जाएगी? क्लोज बन जाएगी, जिस तरह की ये आपको नजर आ रही है। लेकिन ये क्लोज नहीं है, ये ओपन है, ये सिर्फ इसकी एक साइड है। समझ लें कि आपके पास चादर है, आप चार बंदे हैं, चारों ने एक एक कोना पकड़ के खड़े हुए हुए हैं स्ट्रेट, तो वो जो सरफेस बनी है नीचे से बिल्कुल ओपन है, नीचे से कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, वो ओपन सरफेस हो गई। हाँ, अगर आप इसका बॉक्स बना दें तो वो कौन सी हो जाएगी? क्लोज सरफेस हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ओपन सरफेस और क्लोज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और गाजिज ला आप अप्लाई करते हैं क्लोज सरफेस पे, और इसी तरह गाजियन सरफेस भी आप ड्रा करेंगे क्लोज सरफेस के लिए। तो जल्दी नेक्स्ट, सम गाजियन सरफेसेस मैं आपको बताता हूँ। सम गाजियन सरफेसेस कौन कौन सी हैं? ये पीछे जिस तरह आपने देखा, ये वही क्लोज स्फीयर है आपका, इसे आप टोरस का नाम देते हैं, ये मुख्तलिफ सर्कल मिलाने से टोरस बनता है। ये आपकी क्यूबिकल शेप है, ये क्लोज शेप है। वो जो शीट आपने पकड़ी थी से पीछे, जो चादर टाइप की थी रेक्टेंगुलर शेप की, वो क्लोज नहीं, ये देख लें, ये हर तरफ से बंद है। तो ये आपकी क्लोज सरफेस है। तो ये जो आप ये लिखा भी हुआ है वैलिड गाजियन सरफेस, तो ये जो लेफ्ट साइड पे आपको तीन पिक्चर नजर आ रही हैं, ये गाजियन सरफेस के लिए वैलिड है। आप इन पे गाजियन सरफेस ड्रा कर सकते हैं, इमेजिनरी क्लोज सरफेस आप ले सकते हैं, जहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी हो। लेकिन अगर राइट साइड पे हैं तो देखिए लिखा हुआ है इनवैलिड गाजियन सरफेस, ये इनवैलिड है। देखिए ये रेड लाइन से मार्क किया हुआ है, रेड लाइन मार्क ये शो कर रही है, ये क्लोज सरफेस नहीं है, ये ओपन सरफेस है। सेम इसी तरह ये आपने ऐसे ही ऊपर कोई चीज रखी हुई है, एक शीट ले ली है, उसे ऐसे ही ऊपर रख दिया, तो ये आपके पास ओपन सरफेस बनेगी, क्लोज सरफेस नहीं बनेगी। तो ये डिस्क है आपके पास, डिस्क आपके पास ओपन सरफेस है, क्लोज नहीं है। और इसी तरह ये आपके पास स्क्वायर है, सेम ये कि आप इसे यहाँ से काट दें तो ये आपका स्क्वायर बन जाएगा, तो ये भी ओपन है, क्लोज नहीं, क्योंकि इसके नीचे से कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, बिल्कुल ओपन सरफेस है नीचे से। सिर्फ इसकी ऊपर वाली एक टाय आपने लगाई हुई है, इसके नीचे बिल्कुल खाली है, हालो है, नीचे से आ सकते हैं आप, जा सकते हैं, तो इसलिए ये ओपन सरफेस होगी। इसी तरह ये हेमिस्फीयर है, यानी इस स्फीयर को आधा काट दिया है, या इस स्फीयर को आपने आधा यहाँ से काट दिया है, तो जब काटेंगे तो ऊपर वाला ऐसा ओपन हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो ये भी आपके पास इनवैलिड गाजियन सरफेस आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको गाजियन सरफेस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन साइड हालो चार्ज स्फीयर, यानी हालो चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी? तो देखें, आपको यहीं से पता चलता है हालो भी है और चार्ज स्फीयर भी है। हालो का मतलब अंदर से खाली है, आपने उसके अंदर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ। तो देखें, सपोज कर लें आपने ये एक स्फीयर ले लिया, ये स्फीयर चार्ज स्फीयर, चार्ज स्फीयर, ये उसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, और अंदर से ये खाली है, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसके लिए आप बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी। तो अब देखें, इसके ऊपर वाली सरफेस पे आपने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। मैं यूनिफॉर्मली का वर्ड यूज कर लूँ, इसलिए यूज कर रहा हूँ, देखें ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो आप सोच रहे होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो ये यहाँ पे चार्ज टिक कैसे गया? तो देखें, पॉजिटिव पॉजिटिव को वाकई रिपेल करता है, लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, जितना एक पॉजिटिव फोर्स लगा रहा है उतनी ही फोर्स दूसरा पॉजिटिव भी लगा रहा है, तो फिर इसके हर एक के पीछे एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज भी है। यानी अगर ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है तो ये इसे आप सॉरी अगर ये इसे इधर से रिपेल कर रहा है तो ये भी क्या करेगा, इधर से इसे रिपेल करेगा, और ये अपनी जगह पर ही कायम रहेगा। सेम इसी तरह इस चार्ज को अगर ये वाला चार्ज इधर से रिपेल कर रहा है तो ये भी इधर से रिपेल कर रहे हैं, दोनों सेम फोर्सेज लगा कर रिपेल करेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट की है, और सेम फोर्सेज क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होंगी, इसलिए नेट रिजल्ट फोर्स जीरो हो जाएगी और ये अपनी जगह पर ही कायम रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपने ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट
क्यों किया और ये चार्ज एक जगह पे टिका हुआ कैसे है। अब देखें ये चार्ज कम्प्लीटली तौर पे बाहर है, इसके अंदर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। तो इस पॉइंट पे सपोज के आपने फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो इस पॉइंट पे आपने ये डॉटेड की फॉर्म में एक क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस ड्रा कर ली, और इसी क्लोज इमेजिनरी सरफेस को आप कहते हैं गाजियन सरफेस। ये गाजियन स्फीयर का ऐसे नाम दे दिया गया, गाजियन सरफेस आप कह लें। रेडियस इसका देख लें, गाजियन सरफेस का रेडियस या गाजियन स्फीयर का रेडियस स्मॉल आ रहा है, जबकि एक्चुअल जो स्फीयर है इसका रेडियस हमने यहाँ पे ए लिया है। अगर आप बुक की पिक्चर पे जाएं तो ये बुक से भी मैंने पिक्चर ली है, तो ये देखें गाजियन सरफेस ड्रा की हुई है, ये वही आपके पास है हालो चार्ज स्फीयर है। चार्ज स्फीयर का मतलब इसके ऊपर आपने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और हालो का मतलब इसके अंदर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, यानी स्फीयर के अंदर चार्ज नहीं है। जिस तरह के ये स्फीयर है, ये बाहर तो आपने चार्ज इस पे बिखेर दिया है एक जैसा, लेकिन इसके अंदर आपने कोई भी चार्ज नहीं रखा। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर होगी होगी। तो इसमें भी देखें ये इसका सेंट्रल पॉइंट, यहां से ये आर प्राइम आपका रेडियस जो है इस गाजियन सरफेस का रेडियस है, जबकि आर जो है इस स्फीयर का जो आपने लिया हुआ है वो रेडियस है। तो आपने इस पॉइंट पे यानी इस गाजियन सरफेस के अंदर बताना है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसी होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। तो देख लें पिक्चर को देख के आपको पता चल रहा है कि इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं इसके अंदर। वैसे भी अगर इधर देखें तो चार्ज सारे का सारा बाहर है, अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो जब अंदर चार्ज नहीं होगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी नहीं होगी। ये तो होगी इसकी फिजिक्स। अब मैथमेटिकल ड्राइव करते हैं हम, तो डेरिवेशन के लिए देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें पता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ इसका रिलेशन है ई डॉट ए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गाजिस लॉ हमें पता है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट है, ये स्मॉल क्यू लिख दिया, आप कैपिटल क्यू लिख लें एक ही बात है। तो इलेक्ट्रिक यहाँ पे इस सरफेस के लिए, इस क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फाइंड आउट करने के लिए आप ये गाजिस लॉ अप्लाई करेंगे, और गाजिस लॉ अप्लाई करने के लिए उसने आपको कहा क्या है कि हालो चार्ज स्फीयर है, इसके अंदर चार्ज मौजूद नहीं। तो जब चार्ज मौजूद नहीं तो क्यू इज इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास जीरो, तो इस क्यू की जगह पे जीरो पुट कर दें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये वाला फाई ई आपके पास क्या आ गया जीरो। तो ये जीरो वैल्यू आप इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, फाई ई की जगह पे आप जीरो लिख देंगे तो जीरो इक्वल हो जाएगा ई डॉट ए। तो अब देखिए जब ई डॉट ए के इक्वल आ गया तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी जीरो आ जाएगी, और एरिया आपको पता है जीरो नहीं होता। सो हालो चार्ज स्फीयर के लिए आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी, जीरो होगी। उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा, मैथमेटिकली भी आपने प्रूव कर दिया, फिजिकली तो आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। जब चार्ज नहीं है इसके अंदर तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी नहीं होगी। तो ये मैथमेटिकली भी आपने प्रूव कर दिया। सो हम कह सकते हैं दस द इंटीरियर ऑफ अ हालो चार्ज स्फीयर इज अ फील्ड फ्री रीजन, यानी हालो चार्ज स्फीयर के अंदर जो है वो फील्ड फ्री रीजन होगा, वहां पे कोई भी फील्ड मौजूद नहीं होगी। तो चलते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज की तरफ। उम्मीद है आपको फर्स्ट एप्लीकेशन का या गाजियन सरफेस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो कहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन साइड हालो चार्ज स्फीयर, तो देखिए अभी आपने प्रूव किया इन साइड हालो चार्ज स्फीयर के लिए जीरो होगी। फिर वो कहता है गाजिस लॉ इज मोर यूजफुल इन केसेस वेयर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस आर मेड ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस इनफिनिटी इन देयर स्पेशल एक्सटेंट सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिव राइज़ेस टू इनवर्स स्क्वायर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए गाजिस लॉ आपने इसके लिए फाइंड आउट किया जब आपने सिमेट्रिकल यानी यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया। सिमेट्रिकल का मतलब यूनिफॉर्म ही है एक जैसा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप गाजिस लॉ को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ये रिलेशन आपने प्रूव किया था ये वाला फाइ इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। कहता है एनक्लोज्ड मास एनक्लोज्ड चार्ज वॉल्यूम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो देख लें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनक्लोज्ड चार्ज। उम्मीद है कि आज का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और
अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।